अयोध्या महिलाओं पर छीटा कसी करने वाले मनचलों की अब खैर नहीं। महिला सुरक्षा को सख्त बनाने व छेड़खानी करने वाले शोधों को सबक सिखाने के लिए शक्ति परी निकल चुकी है। वहीं अयोध्या जनपद के शहर क्षेत्र में बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा को सख्त बनाने के उद्देश्य में 1090 दोपहिया वाहन शक्ति परी का उद्घाटन आज अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर विपुल अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। पावर लाइन के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक नई शुरुआत की है। दो मोटरसाइकिलों पर दो महिला कांस्टेबलों को बैठाकर वो पूरे नगर में विभिन्न बच्चियों के स्कूलों में महिलाओं की जहां महिलाएं मार्केटिंग करने जाती हैं, जहां महिलाएं निकलती हैं बाहर, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए ये वीमेन पावर लाइन शुरू हुई है। आज मैंने और हमारे यहाँ के सहायक पुलिस अधीक्षक अग्रवाल साहब, हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और हमारे एसपी सिटी, हमारे जिला अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अभिजेश पांडे बादल जी, हम सब लोगों ने आज इसको यहाँ से शुरुआत कराई है और ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा प्रयास है महिला सशक्तिकरण में। और जो हमारी सरकार की एक मंशा है कि बेटियों की सुरक्षा सुरक्षित हों, उस पर काम हो, तो निश्चित रूप से ये आज अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं पुलिस विभाग को, निश्चित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 1090 दो बाइक शुरू की गई है, ये प्रयास है, शुरुआत है, फिर यदि आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। में जो महिला बच्चियों के स्कूलों में जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जो वो है, और अब जो मेला चल रहा है, आने आए दुर्गा पूजा, रामलीला, इतना महिलाएं बेटियां निकलती हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से फिर यदि आवश्यकता होगी तो इसको बढ़ाया जाएगा। ये प्रयास है, एक शुरुआत है इसकी, उसके बाद में जरूरत पड़ने पर वैसे ही इसको आगे और। वहीं थाना अध्यक्ष प्रियंका पांडे द्वारा शहर में प्राप्त होने वाली सूचनाओं व स्कूल के खुलने व बंद होने के समय आसपास खड़े शोधों पर नजर रखने व भीड़ भाड़ एवं त्योहारों पर लड़कियों व महिलाओं के साथ होने वाली छीटाकसी रोकने के लिए ऐसे दोपहिया वाहनों की मांग की गई थी। हमारी माताओं और बहनों को सुरक्षा देना, स्कूल कॉलेज के छूटने और बंद होने के समय कुछ शोधे वहाँ पे खड़े होकर छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें उनसे सुरक्षित रखना है। तो इसमें ऑन कॉल फीचर रहेगा, 10-0 से इसको इंटीग्रेट करा गया है। 10-0 की जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उस पर तुरंत इनको भ्रमणशील करा जाएगा। बाकी इसमें सेल्फ पेट्रोलिंग भी रहेगी, ये खुद का खुद उस समय खुद का खुद भ्रमण भी करती रहेगी। और बाकी महिलाओं बहनों के लिए हमारे पास 100 का फीचर चल ही रहा है। इनका कार शहर में भी रहेगा, देहातों में देखा जाएगा? अभी ये खाली सिटी एरिया तक कंफाइंड है, फिर जैसे जरूरत पड़ेगी इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी एक्सपैंड करा जाएगा।